to an academy gate me -E. this is your educator approved Rao, and you are watching the lectures of engineering mechanics this is lecture number 14 and in today's lecture we are going to cover application of friction in brakes so we started the statics part of engineering mechanics we completed one chapter which is equilibrium

हम ब्रेक्स के कुछ बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं एंड दिस क्लास इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन मशीन डिजाइन टू बिकॉज ब्रेक्स आर आर इन मशीन डिजाइन सो वी गोइंग टू यूज द ऑफ कॉन्सेप्टुडे क्लास इन मशीन डिजाइन लेटर तो हम आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो मशीन डिजाइन पढ़ते टाइम बाद में भी यूज करेंगे सो आई वेलकम एवरीवन पंकज ध्रुव शुभम नीतीश गुड इवनिंग अपेश गुड इवनिंग वेलकम 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 बेटा एक बार सबके सब लाइक बटन दबा दो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो शेयर दिस लिंक इन एवरी ग्रुप यू यू हैव नाउ इफ आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं माय नेम इज ऑल इंडिया रैंक इन गेट मैकेनिकल इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम आईओसीएल बट आई जॉब आई ज्वाइंट आई आई टी फॉर माई एमटेक And my specialization for MTech was mechanical systems design. Then I worked in the field of design of cars at Mahindra, and Mahindra I was a part of projects like KUV and TUV. After two years, I quit my job and I started teaching. So I have been teaching for more than six years now, and I teach subjects related to design SOM, MD, EM, and टॉम एंड आई है लेक्चरएल डॉट कॉम स्लैश अप्रूव टेन अगर आप मेरे फ्री लेक्चर देखना चाहते हैं और उनके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो बस इस एक लिंक को ओपन कर लीजिए कैसे ओपन करना है जस्ट गो टू एनी वेब ब्राउजर and type this tinyurl.com slash 10 enter and you are going to open this page you are going to find these folders where I have uploaded important ebooks of all my subjects and then you are going to see these excel sheets what are these excel sheets in these excel sheets you are going to find the links of all my free lectures and notes इन एक्सेल शीट्स में आपको मेरे सारे फ्री लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे और नोट्स के भी लिंक मिल जाएंगे ओके एंड यू कैन आल्सो फॉलो माय अन अकेडमी प्रोफाइल दिस इज माय अन अकेडमी प्रोफाइल नेम जस्ट गो टू अनअकेडमी डॉट कॉम एंड सर्च अप्रूव और जस्ट टाइप दिस अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट एंटर यू आर गोइंग टू ओपन माई प्रोफाइल एंड यू कैन वॉच ऑल माई स्पेशल क्लासेस आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं ओके डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एंड वॉच माई स्पेशल क्लासेज दीज स्पेशलिसल क्लासेस भी फ्री है बेटा यूट्यूब लेक्चर्स की तरह ही इफ यू वॉन्ट टू वॉच स्पेशल क्लासेस देन यू नीड टू फॉलो दीज थ्री स्टेप डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग एप अन अकेडमी का एप डाउनलोड कर लीजिए रजिस्टर एंड इफ यू वॉन्ट टू ओपन एनी अन अकेडमी स्पेशल क्लास यू विल हैव टू यूज दिस कोड अप्रूव टेन यूज दिस कोड इन ऑर्डर टू अनलॉक ऑल स्पेशल क्लासेज नॉट ओनली माइन सिर्फ मेरी नहीं सारी स्पेशल क्लासेस ओपन करने के लिए बस ये एक कोड यूज कर लीजिए ओके एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल फॉलो करना मत भूलना टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम एप पर चले जाइए And search this approved 10, you will find this telegram channel. In this telegram channel, I upload the links and the notifications of my upcoming classes. So, you are going to know, get the notification whenever I am starting a new batch or whenever I am starting a new subject, whenever I am taking a very important topic. You will get to know all that by following this telegram channel. I personally update this telegram channel. Okay. एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टडी विद इन मोर स्ट्रक्चर अगर हमारे साथ एक structured course में आप पढ़ना चाहते हो डाउट इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन यूट्यूब फॉर फ्री देन वाई बाइंगी प्लस सब्सक्रिप्शन अंडरस्टैंड इफ यू जस्ट वॉन्ट लेक्चर अगर आपको सिर्फ लेक्चर चाहिए लाइव लेक्चर एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स

you are going to get daily assignments you are going to get question bank you are going to get weekly quizzes online test series doubt solving sessions which is very important if you are preparing for any exam doubt solving sessions are the most important sessions okay you are going to get personal guidance of all the educators apart from this you are going to get multiple batches

एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट माई पर्सनल गाइडेंस अगर आप ये कोड यूज करते हैं मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा मेरी गाइडेंस में आप पढ़ सकते हो मेरी नहीं मेरे सारी टीम की गाइडेंस आपको मिलेगी यू विल गेट द गाइडेंस ऑफ माई एंटायर टीम ओके एंड इफ यू यूज दिस कोड बेटा इट विल कनेक्ट यू विथ मी ना इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन अन अकेडमी ऐप आप मुझे अन अकेडमी ऐप पर भी मैसेज कर सकते हैं कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं यू नो वे टू फाइंड मी राइट नाउ लेट स्टार्ट आर टूडेज लेक्चर सो बेटा वी रिसेंटली स्टार्टेड फ्रिक्शन नाउ फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू सर्फिस विच अपोजेस द मोशन ऑफ दीज टू सर्फेसिस एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शंस फ्रिक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज अप्लाइड इन अ लॉट ऑफ टॉपिक्स फॉर एग्जांपल लैडर वेज ब्रेक्स क्लच स्क्रू जैक वी हैव ऑलरेडी सीन लैडर फ्रिक्शन एंड बेल्ट फ्रिक्शन एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इज यूज्ड इन ब्रेक्स ब्रेक्स में फ्रिक्शन को हम कैसे यूज करते हैं हम ये देखने वाले हैं नाउ अंडरस्टैंड दिस ब्रेक्स में

फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से कैसे डील करते हैं ओके सो ऑल ऑफ यू हु आर लाइव राइट नाउ प्लीज हिट द लाइक बटन वंस एंड गिव मी योर अटेंडेंस अभी के अभी बेटा सबके सब एक बार लाइक बटन दबा दो और सबके सब अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस दे दो एंड आल्सो शेयर द लिंक विद ऑल योर ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स प्लीज डू दिस फॉर मी डू दिस फॉर योर ओन चैनल दिस इज योर चैनल दिस इज योर क्लास ओके तो बेटा अपनी क्लास के लिए अपने चैनल के लिए सबके सब प्लीज इस लिंक को जहां भी हो सके वहां शेयर कर दो ओके सो आर यू गाइज रेडी विकास हेमंत करण जगन्नाथ गौरव अंकुर सौविक आर यू गायज रेडी फॉर टू क्लास आज की क्लास में कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कुछ बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर आप सब लोग रेडी हैं देन प्लीज लेट मी लो इन द लाइव चैट लेट मी नो इन द लाइव चैट राइट नाउ गिव मी सम थम्स अप गिव मी सम हार्ट गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन एंड लेट मी नो दैट यू ऑल आर रेडी आप सबके सब रेडी है यस अच्छा चलो अपेश की आवाज आ गई सबसे पहले यस नीतीश सिंह यस वर्चुअल स्टार हेमंत यस yes, विकास ओके okay, ओके okay, चलो रेडी एज ऑलवेज ओके चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेक्स सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी बिहाइंड इट

तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेक सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्रेक्स बेसिकली आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर शू ब्रेक एंड बैंड ब्रेक हम यहां पे दो टाइप के ब्रेक स्टडी करने वाले हैं एक तो शू ब्रेक्स और दूसरे बैंड ब्रेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू यू विल गेट क्वेश्चन ऑन बैंड ब्रेक्स ओनली ओके मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो बैंड ब्रेक के ऊपर ही रहेंगे ऐसा मेरा मानना है इट इज माई एस्टिमेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम न्यूमेरिकल फ्रॉम बैंड ब्रेक्स बट वी आर गोइंग टू कवर बोथ ओके सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑफ फ्रिक्शन इन शू ब्रेक्स सो लेट्स से वी हैव अ व्हील और अ ड्रम और एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ओके दिस इज माई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इट इज रोटेटिंग इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन यू कैन सी राइट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ठीक है ठीक है नाउ

ट इज दिस टॉर्क कॉल्ड इस टॉर्क को हम क्या बोलते हैं दिस टॉर्क इज कॉल्ड ब्रेकिंग टॉर्क ठीक है ब्रेक मारने के लिए जो टॉर्क लगाना पड़ेगा दैट टॉर्क इज कॉल्ड ब्रेकिंग टॉर्क ऑब्वियसली इफ दिस बॉडी इज रोटेटिंग देन इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस यू हैव टू अप्लाई एन अपोजिट टॉर्क तो ये अपोजिट टॉर्क जो है वो इस बॉडी को डिसलरेट करेगा एंड इट इज गोइंग टू स्टॉप Okay, so this basic concept everybody knows that if you are if you want to stop a rotating object, you have to apply an opposite torque, which is known as breaking torque. Now, how this breaking torque is going to be is going to be developed? Konsa force is breaking torque ko create karega, develop karega? So the friction force is going to create this breaking torque. The friction force is going to create this breaking torque. Now, how it is going to happen? understand so we have this lever okay which is hinged at this point okay this is the hinge support so your lever hai the lever is hinged at this point okay now with this lever there is a shoe okay it is known as shoe or block okay now we will create friction between this shoe and this rotating drum you can see that there is a layer of high friction material on the surface of the shoe shoe ke surface pe ek high friction material ka layer laga hai okay so we are going to create the friction between the shoe and this drum okay so how we are going to do that in order to create friction force there must be some normal force

so sorry once the normal force is created we will get friction force so understand the free body diagram okay let's say i am applying a force p on this lever okay let's draw the free body diagram of this rotating object and this lever is rotating object or is lever ka hum free body diagram banayenge यानी इन दोनों को एक दूसरे से अलग करेंगे ओके okay? इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो ओके सो दिस इज द रोटेटिंग ड्रम ये अपना रोटेटिंग ड्रम है ठीक है एंड दिस इज द लीवर ओके ये अपना लीवर है और ये रोटेटिंग ड्रम है ओके नाउ अंडरस्टैंड बेटा राइट नाउ इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज अभी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है नाउ व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग हियर सो वी आर अप्लाइंग अ फोर्स पी ऑन दिस लीवर ओके नाउ दिस शू इज गोइंग टू कनेक्ट विद दिस ड्रम दिस शू इज गोइंग टू अप्लाई अ नॉर्मल फोर्स ऑन दिस ड्रम लेट मी अज्यूम दिस टू बी एन मैं इसको एन मान लेता हूं सो देर विल भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन दिस लीवर ऑल्सो दिस विल बी एन ओके नाउ दिस ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी एंटी क्लॉकवाइज राइट ये जो ड्रम है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस इज गोइंग टू बी ऑपोजिट राइट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट लाइक दिस हाकिना एवरी वन इज क्लियर अबाउट दिस एवरी वन इज क्लियर अबाउट दिस राइट नाउ द सेम फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग हियर ऑल्सो बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा लाइक दिस राइट लाइक दिस म्यू इन टू एन ओके नाउ देर विल भी सम हिंज रियक्शंस ऑल्सो कुछ हिंज रिएक्शन भी होंगे मेरे भाई कुछ हिंज रिएक्शन भी होंगे यहां पर समथिंग लाइक दिस ओके

टॉर्क ऑन दिस ड्रम म्यू एन राइट तो मेरे भाई उस टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट टॉर्क टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू एन मल्टीप्लाइड बाय आर म्यू एन मल्टीप्लाइड बाय आर ठीक है यस तो मेरे भाई इफ यू नो द वैल्यू ऑफ एन न कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क ओके अब मेरे भाई एग्जाम में वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लीवर एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब ओके आप एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना दो लीवर का आप एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना दो लीवर का और आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे ओके सो आई होप एवरी वन इज क्लियर अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया है ये सबको क्लियर हो गया होगा राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रेक अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के ब्रेक में विच इज द बैंड ब्रेक नाउ वट इज द डिफरेंस बिटवीन द शू ब्रेक एंड द बैंड ब्रेक अंडरस्टैंड इन केस ऑफ शू ब्रेक वी हैव अ रिजिड शू इन ऑर्डर टू क्रिएट द फ्रिक्शन ठीक है यहां फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है एक रिजिड शू है देर इज अ ब्लॉक विच इज ऑफ अ रिजिड शू विच इज अ रिजिड ब्लॉक ओके बट इन केस ऑफ बैंड ब्रेक्स वी हैव अ बैंड बैंड ब्रेक वी केस में हमारे पास क्या है हमारे पास है एक फ्लेक्सिबल सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन फ्लेक्सीबल बैंड यस्टरडे राइट कल हम लोगों ने बेल्ट फ्रिक्शन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको समझाया था हाउ टू डील विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन फ्लेक्सिबल बैंड राइट सो बेटा वी आर गोइंग टू यूज दैट कॉन्सेप्ट इन बैंड ब्रेक्स बैंड ब्रेक्स में वो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं ओके नाउ अंडरस्टैंड वॉट हैपन्स इन केस ऑफ बैंड ब्रेक सो इन केस ऑफ बैंड ब्रेक वी विल अप्लाई द फ्रिक्शन वी विल क्रिएट द फ्रिक्शन बिटवीन द बैंड एंड द रोटेटिंग ड्रम यहां पर हम ड्रम और बैंड के बीच में फ्रिक्शन डेवलप करने वाले ओके okay? यहां पे शू और ड्रम के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा था यहां पे बैंड और ड्रम के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा ओके एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट वी हैव दिस लीवर राइट बैंड आर कनेक्टेड द एंड ऑफ बैंड आर कनेक्टेड टू दिस लीवर एंड द लीवर इज हिंस एट दिस पॉइंट सो वेन आई विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस लीवर

फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बैंड्स एंड द लीवर अब हमको यहां पर भी बैंड और लीवर के बीच में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा सो हावींग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम आई एम गोइंग टू कट दीज बैंड फ्रॉम हियर ठीक है मैं यहां से बैंड को काट देता हूं ओके सो इफ आई कट द बैंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू गेट अ डायग्राम समथिंग लाइक दिस कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा मेरे भाई

आपको सबसे पहले तो यह डिसाइड करना होता है वट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड इज वेदर द पुली ऑन विच द बैंड इज रैप्ड इज एक्सटर्नली पावर्ड और पावर्ड बाय द बेल्ट बेल्ट से पावर हो रहा ले रहा है या एक्सटर्नल पावर ले रहा है सबसे पहले तो यह डिसाइड करना होता है हा कि ना वी नीड टू फर्स्ट डिसाइड वेदर इट इज एक्सटर्नली पावर्ड और इट इज ड्रिवन बाय द बेल्ट तो कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाए उसमें एक भी पुली एक्सटर्नली पावर्ड नहीं थी क्वेश्चंस वी सॉ नन ऑफ देम वर एक्सटर्नली पावर्ड बट टूडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी दैट कॉन्सेप्ट ओके तो बेटा कैन एनी वन टेल मी आउट ऑफ दीज टू विच वन विल बी टी वन एंड विच वन विल बी टी टू राइट वाला टी वन होगा कि लेफ्ट वाला टी वन होगा

क्योंकि यहां पर ड्रम ऑलरेडी घूम रहा है वी आर नॉट यूजिंग द बेल्ट टू ड्राइव दिस ड्रम द ड्रम इज ऑलरेडी रोटेटिंग वी वॉन्ट टू स्टॉप दिस ड्रम हमको इसको स्टॉप करना है रे मेरे भाई यस करण वेरी गुड चलो अब देखते हैं यहां पे T1 और T2 कौन सा होगा सो अंडरस्टैंड वॉट आई टेल यू इन इन इफ द पुली इज ड्रिवन बाय द बेल्ट

And this one must be T2. Yes. Agina, is it clear? Very good, Nitish. Very good, Sayali. Karan, Pankaj. Samuel, very good, Amol. Very good. Very good, Shubham. Very good. Vahad Badiya, very good.

तो मेरे भाई ये चीज सबको क्लियर है कि लेफ्ट वाला टीवन और राइट वाला टीटो हुआ अब अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है इज हैविंग एनी डाउट वेदर दिस वन इज टीवन और दिस वन इज टीवन लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम अंडरस्टैंड हियर दिस इज अ ब्रेक ओके यू वॉन्ट टू स्टॉप दिस ड्रम द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉक वाइज सो इफ द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉक वाइज इन ऑर्डर टू स्टॉप द ड्रम टॉर्क विच वी हैव टू अप्लाई शुड बी एंटी क्लॉक वाइज मेरे भाई यह ड्रम क्लॉक वाइज घूम रहा है तो अगर मैं इसे रोकना चाहता हूं तो मुझे एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क अपलाई करना पड़ेगा आई हैव टू अपलाई एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क एंड इफ आई वॉन्ट टू अप्लाई एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क देन विच साइड शुड बी ऑफ मैक्सिमम टेंशन मुझे एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क लगाना है बेल्ट के थ्रू बेल्ट लगाने वाला है ना ये टॉर्क तो कौन सी साइड का टेंशन ज्यादा होना चाहिए इस साइड का ज्यादा होना चाहिए right? मुझे तो एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क लगाना है सो दिस वन शुड बी मैक्सिमम राइट सो बेटा नाउ एवरी वन इज क्लियर दैट दिस वन इज टी वन दिस वन इज टी टू राइट सो हियर ऑल्सो दिस वन विल बी टी वन दिस वन विल बी

सो अंडरस्टैंड बेटा देर विल बी अ टॉर्क ड्यू टू टी वन देर विल बी अ टॉर्क ड्यू टू टी टू बट दे विल बी ऑपोजिट टी वन इज अपलाइंग एंटी क्लॉक वाइज टॉक टी टू इज अपलाइंग क्लॉक वाइज टॉक सो आई एम गोइंग टू गेट टी वन इंटू आर ओके एंटी क्लॉक वाइज स्टॉर्क माइनस टी टू इंटू आर ओके क्लॉक वाइज स्टॉक ओके चलो तो मेरे भाई ये चीज क्लियर है सबको अब यहां पे इसको आई कैन राइट इट लाइक दिस टी इक्वल्स टू टी वन माइनस टी टू इन टू आर ठीक है टी इक्वल्स टू टी वन माइनस टी टू इन टू आर दिस बी द इक्वेशन ऑफ टॉर्क राइट एंड हियर वी विल हैव वन मोर इक्वेशन वन मोर रिलेशन रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू क्या रिलेशन रहता है मेरे भाई टी वन और टी टू के बीच में कल ही तो देखा था व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू T1 by T2 is equals to E to the power mu theta, right? T1 by T2 equals to E to the power mu theta. So this will be the relation between T1 and T2. Yes. Yes. Very good Vikas, very good Seali. Very good apesh. T1 minus T2 into R will be the torque. And T1 by T2 equals to E to the power mu theta. Baki ke relation kaha similenge. What will be the next relation that you are going to get? by solving the free body diagram of the lever. right now i am not solving the free body diagram of lever. yahan pe bhi i did not solve yahan pe bhi i did not solve why because beta in different different questions we will have different different free body diagram na so when we will be solving the question i will tell you how to solve the fbd of the lever. theek hai jaise jaise hum सवाल बनाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा FBD कैसे solve करना है हर सवाल का अपना अलग FBD होने वाला है Yes? चलो यस नाउ दिस इज अरे मेरे भाई पी कैसे पी लग रहा है लीवर पे इसके सेंटर पे कहां से टॉर्क लगाया क्या यार इसका एफबीडी अलग है इसका एफबीडी अलग है अलग कर दिया है कहां तुम का एक किलोमीटर दूर भी फोर्स लग रहा होगा तो उसका टॉर्क यहां थोड़ी लगा दोगे यार क्या कर रहे हो मेरे भाई क्या कर रहे हो चलो तो अब मेरे भाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन शू ब्रेक एंड बैंड ब्रेक ंग टू सोल्व वेराइटी हम लोग अलग अलग वेराइटी के प्रॉब्लम से डील करने वाले ठीक है सो आर यू गाइज रेडी आर यू गाइज रेडी चलो चलो बताओ 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 सबके सब, सब तैयार हो आर यू गाइज रेडी शेल वी बिगिन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सोल्व करना चालू करें मेरे भाई अमित अगर आपने अभी स्पैम करना बंद नहीं किया आई एम गोइंग टू गेट यू ब्लॉग्ड तू स्पैमिंग मत करो ना यार ओके सो आर यू गैस रेडी? यस, यस, यस। यू ऑल आर रेडी? ओके सो लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन सॉल्विंग द प्रॉब्लम सो दिस द फर्स्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू ये पहला प्रॉब्लम है सॉल्व दिस प्रॉब्लम सॉल्व दिस प्रॉब्लम a force of 400 newton is applied to the brake drum of 0.5 meter diameter in a band brake system as shown in figure where the wrapping angle is 180 degree what is wrapping angle wrapping angle matlab angle of contact wrapping angle matlab angle of contact if the coefficient of friction between the drum and the band is 0.25 the braking torque applied is ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाइड इज ब्रेकिंग टॉर्क निकालो ब्रेकिंग टॉर्क निकालो वट इज ब्रेकिंग टॉर्क ब्रेकिंग टॉर्क इज न टॉर्क अप्लाइडर ऑफ दिस रोटेटिंग ड्रम बाय दिस बैंड इस बैंड के थ्रू इसके सेंटर पे जितना टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं दैट इज द ब्रेकिंग टॉर्क ठीक है सो फाइंड आउट वट विल बी द ब्रेकिंग टॉक नाउन टू फाइंड ब्रेकिंग टॉर्क वी नीड द टेंशन ऑन बोथ साइड दोनों साइड का टेंशन पता होना चाहिए ना तो बेटा एक साइड का टेंशन पता है दूसरे साइड का निकालो फाइंड आउट द टेंशन फाइंड आउट द टेंशन फाइंड आउट द टेंशन चलो 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 निकालो सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट यू नीड टू फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड विच वन विल बी टी वन विच वन विल बी टी टू ठीक है पहले तो डिसाइड करो मेरे भाई टी वन कौन सा है टी टू कौन सा है सो इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसके ऊपर ब्रेकिंग टॉर्क कैसा आना चाहिए क्लॉकवाइज आना चाहिए राइट right? इसके ऊपर ब्रेकिंग टॉर्क कैसा आना चाहिए ब्रेकिंग टॉर्क मस्ट बी क्लॉकवाइज राइट इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज सो ब्रेकिंग टॉर्क मस्ट बी क्लॉकवाइज तो मेरे भाई क्लॉकवाइज होने के लिए T1 कौन सा होगा ये 400 न्यूटन T1 है या T2 है इज दिस T1 और इज दिस T2 इज दिस T1 यस वेरी गुड एक्सीलेंट गौरव गौरव ने बता दिया है कि ये क्या है ये अपना T1 है और ये अपना T2 है तो मेरे भाई T1 मुझे दिया है T2 मुझे निकालना है एक बार T2 मिल गया उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है उसके बाद बस सेंटर पे टॉर्क निकाल देना है तो मेरे भाई T2 कैसे निकलेगा हाउ वी आर गोइंग टू फाइन T2? टू वी आर गोइंग टू फाइन T2 टू बाई यूजिंग द रिलेशन बिटवीन T1 वन एंड T2. बाय टी टू क्वल टू ई टू दावर म्यू थीटा तो यह हो जाएगा फोर हंड्रेड बाई टी टू इक्वल्स टू ई टू दावर वॉट इज द म्यू कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन इज पॉइंट टू फाइव एंड वॉट इज थीटा थीटा कितना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज वन एटी डिग्री बट वी नीड टू पुट इट इन रेडियंस तो यह हो जाएगा पाई पाई रेडियन वन एटी डिग्री सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ टी टू जल्दी बताओ टी टू कितना आ रहा है 400 से ज्यादा मत ले आना ठीक है इट शुड बी लेस देन 400 182.37 न्यूटन वेरी गुड वन एटी न्यूटन इज टी टू ओके 182.37 न्यूटन इज टी टू तो मेरे भाई एक बार टी टू मिल गया नाउ आई कैन कैलकुलेट द ब्रेकिंग टॉर्क ब्रेकिंग टॉर्क को मैं टी बी लिख देता हूं ओके okay? अच्छा लगता है देखने में सो बेटा ब्रेकिंग टॉर्क कितना होगा टी वन माइनस टी टू इंटू आर टी वन इज फोर हंड्रेड टी टू इज वन एटी टू पॉइंट थ्री सेवन एंड वट इज द रेडियस ऑफ द ड्रम The radius of the drum is how much? Diameter is 0.5. Radius will be half of it, 0.25 meter. So I am going to get how much braking torque? It is 54.4 Newton meter. 54. पॉइंट फोर न्यूटन मीटर एवरी वन इज गेटिंग दिस सबका आ रहा है इतना फिफ्टी फोर पॉइंट फोर न्यूटन मीटर वेरी गुड सयाली वेरी गुड ब्रिजेश वेरी गुड गौरव फिफ्टी फोर पॉइंट फोर वेरी गुड माइकल फिफ्टी फोर वेरी गुड अंकुर वेरी गुड चंदन फिफ्टी फोर पॉइंट फोर न्यूटन मीटर वेरी गुड आदित्य वेरी गुड शुभम वेरी गुड वर्चुअल स्टार वेरी गुड नीतीश फिफ्टी फोर पॉइंट फोर न्यूटन मीटर इज द ब्रेकिंग टॉक नाउ दिस वॉज अ वेरी 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 इजी प्रॉब्लम लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर डिफिकल्ट लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर चैलेंजिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाते हैं यस वेरी गुड माइकल वेरी गुड चलो थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाते हैं सो दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू अ बैंड ब्रेक इज यूज टू कंट्रोल स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील एसोन ठीक है ये फ्लाई व्हील है द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज पॉइंट टू फाइव डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल बींग अप्लाइड टू द फ्लाई व्हील नोइंग दैट पी इक्वल्स टू फोर्टी फाइव न्यूटन एंड दैट द फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज एट अ अंस्टेंट स्पीड ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है अपने को क्या बताया गया है इट इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा है ठीक है तो अब मेरे भाई सबसे पहले क्या करते हैं वट डू वी डू फर्स्ट फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द एफ बी डी क्यों एफ बी डी बनाना है इस क्वेश्चन में इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ब्रेकिंग टॉक यू नीड टू कैलकुलेट क्या करना क्या

एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दैट अदर रिलेशन बाई ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो मेरे भाई दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा फ्री बॉडी यू नीड टू ड्रॉ द फ्रीरी बॉडी डायग्राम ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम चलो तो so, ये हो गया अपना ड्रम ठीक है और ये हो गया अपना लीवर सॉरी यही ड्रॉ कर देते हैं लीवर को ओके नाउ अंडरस्टैंड बेटा दिस इज द बैंड अरे यार एक तो ये कलर कोडिंग करते करते हम्म ओके सो दिस इज़ द बैंड एंड द लीवर

ये वाला टेंशन कौन सा है वॉट इज दिस इज दिस ये वाला कौन सा है विद वेदर इट इज टी टू वेदर इट इज स्टीवन और टी टू बताओ ये कौन सा है वेदर इट इज टीवन और टी टू मी विच वन इज दिस टी वन और टी टू अरे कोई तो बताओ टी वन है या टी टू है हेमंत इज सेइंग इट इज स्टीवन हेमंत ने बोल दिया टीवन नीतीश ने बोल दिया टीवन एनोनिमस ने बोल दिया टीवन एनोनिमस बेटा डोंट बी एनोनिमस नाम बता के आंसर दो। चंदन अपेश विकास सीम्स टू तो मेरे भाई देख लेते हैं एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है बट रोकना है यू नीड टू स्टॉप इट सो यू नीड टू अप्लाई क्लॉक वाइज टॉर्क क्लॉक वाइज टॉर्क तो क्लॉक वाइज टॉर्क अगर लगाना है तो बेटा कौन सा वाला ज्यादा होना चाहिए ये वाला ज्यादा होना चाहिए यस सो दिस इज टी वन यस दिस इज टी वन एंड दिस वन इज टी टू यस सो बेटा कैन वी कैलकुलेट टी वन फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लीवर लीवर के फ्री बॉडी डायग्राम से मैं टी वन निकाल सकता हूं क्या आराम से निकाल सकता हूं मेरे भाई आई कैन कैलकुलेट टी वन ईजिली वेरी ईजिली यस टी वन निकल जाएगा ना आई डोंट नीड आर सी एक्स एंड आरसी वाई मेरे को आर सी एक्स आर सी वाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है इफ आई टेक मोमेंट एट सी आर सी एक्स एंड आर सी वाई विल बी गॉन आई विल गेट टी वन यस मैंने बोला था आई टोल्ड यू दैट एवरी फ्री बॉडी डायग्राम इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट वेरी गुड सयाली पंकज माइकल वेरी गुड वेरी गुड गौरव तो एनोनिमस इज सेन इजी गेटिंग टी वन एटी सो इफ आई टेकेंट ऑफ टी वन विच टी वन मल्टीप्लाइड इज दिसन एट वन टी दिस इज थ्री सिक्सटी ठीक है तो मेरे भाई टी वन इंटू वन ट्वेंटी माइनस फोर्टी फाइव इंटू थ्री सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी फोर एटीस टू जीरो गुड बहुत बढ़िया मेरे भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चंदन टी वन इज गोइंग टू बी वन एटी अब वंस यू हैव गॉट टी वन नाव यू कैन कैलकुलेट टी टू अब तो टी टू निकल जाएगा ना अब टी टू निकल जाएगा

Very good, Samuel. Very good. Michael, beta, it is not 2 pi. Very good, very good. 270 degree. Theta is 270 degree. Understand. We need to find angle of contact from this point to this point. This entire angle is your theta. So, theta is how much? Theta is equal to 270 degree. और यू कैन से थ्री पाई बाई टू रेडियन है कि नहीं पाई प्लस पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू वेरी गुड अंकुर बहुत बढ़िया वर्चुअल स्टार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो थ्री पाई बाई टू चलो तो अब मेरे भाई यहां से टी टू मिल जाएगा एंड वंस यू गेट टी टू यू कैन इजीली कैलकुलेट द ब्रेकिंग टॉर्क दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट राइट अपने को ब्रेकिंग टॉक से ही मतलब है ना ब्रेकिंग टॉर्क ब्रेकिंग टॉर्क नाम ले लेके ब्रेकिंग बैड की याद आ जाती है हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ब्रेकिंग बैड ब्रेकिंग बैड इज एन अमेरिकन टीवी सीरीज बेस्ड ऑन ड्रग्स इट्स वन ऑफ द हाइएस्ट रेटेड टीवी सीरीज इन आई एम आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन वाचिंग मूवीज एंड टीवी सीरीज आई एम अ मूवी एंड टीवी सीरीज बफ मैं बहुत ज्यादा मूवीज और टीवी सीरीज देख चुका हूं और बहुत ज्यादा देखता भी हूं ठीक है डेली बेसिस पे चलो तो मेरे भाई ब्रेकिंग टॉर्क निकाल लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज ब्रेकिंग टॉर्क t1 t2 r तो t1 कितना है व्हाट इज t1 t1 इज 180 t2 इज 55.41 And what is the radius of the drum? Radius of the drum is 360 mm. Let me put it in meter. So, what is the braking torque here? Thank you so much, Anonymous. Thank you so much. 44.85. 44.85. न्यूटन मीटर 44.85 न्यूटन मीटर आ रहा है सबका यस सेमन चंदन अपेश सयाली वेरी गुड यस आई हैव सीन डेथ नोट आदित्य आई हैव सीन द टीवी सीरीज द जैपनीज टीवी सीरीज एनिमे सीरीज आई हैव आल्सो सीन द अमेरिकन मूवी बेस्ड ऑन डेथ नोट बट वो तो बकवास था ठीक है मतलब निहायती बकवास था टीवी सीरीज के सामने एनिमे के सामने तो वो कुछ भी नहीं था यस वेरी गुड विकास वेरी गुड अंकुर वेरी गुड वर्चुअल इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एनिमे एनिमे में आई हैव सीन ओनली फोर फाइव एनिमेस जिसमें से डेथ नोट एंड अटैक ऑन टाइटन इज आर ओनली वन विच आई रिमेंबर चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो so, एवरी वन हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो और कुछ इंटरेस्टिंग एनिमेज मूवीज या टीवी सीरीज अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो ठीक है क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे देखने के लिए चाहिए रहता है सो तो मेरे पास खत्म हो जाता है आई नीड सजेशन ओके गुड मूवीज टीवी सीरीज चलो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नाउ बेटा अंडरस्टैंड दिस थिंग

मैं उसको बैठा बैठा के दिखाता हूँ ये अच्छी सीरीज है ये देखो ये अच्छी मूवी है ये देखो चलो बताओ बताओ वेदर इट इज स्टैटिक कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन और ऑफ फ्रिक्शन ओके स्टैटिक गौरव इज काइनेटिक हेमंत इज काइनेटिक अंकुर इज सेइंग काइनेटिक पंकज इज काइनेटिक सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल When do we get static coefficient of friction and when do we get kinetic coefficient of friction? Understand when the body is on the verge of moving, it is not actually moving, it is on the verge of moving, then we get static coefficient of friction. And when the body starts moving, there is friction between a moving body and a static body. टिक कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन एक स्टैटिक बॉडी और एक मूविंग बॉडी है तो फिर दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा पर इन दोनों बॉडीज में से क्या कोई एक मूविंग बॉडी है क्या कोई एक मूविंग बॉडी है इज देर अंग बॉडी बिटवीन दीज टू कोई मूविंग बॉडी है क्या बताओ अरे बाबा मूविंग बॉडी है ना यस इट इज अ मूविंग बॉडी राइट सो दिस इज एक्चुअली काइनेटिक कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन मैं यहां पे बता देता हूं ठीक है इट इज काइनेटिक कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक है काइनेटिक कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन होगा क्योंकि एक मूविंग बॉडी है ना देर इज फ्रिक्शन बिटवीन अ मूविंग बॉडी एंड अ स्टैटिक बॉडी बेल्ट इज स्टैटिक बट दिस ड्रम इज मूविंग द शू इज स्टैटिक बट द ड्रम इज मूविंग सो दिस इज काइनेटिक कोफिशियंट फ्रिक्शन ये क्या है मेरे भाई काइनेटिक कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन है ठीक है इज दिस क्लियर यस वेरी गुड वेरी गुड एक्सेलेंट एक्सेलेंट बट बेटा यहां पर क्वेश्चन में यूजली लिखा नहीं रहता है ठीक है वो क्या करते हैं आपको सीधे लिख देते कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन

The block brake, as shown in figure, provides a braking torque of 500 newton meter. The diameter of brake drum is 300 mm. Coefficient of friction is 0.3. Find the force to be applied at the end of the lever for clockwise and counterclockwise rotation of the brake drum. Solve this. यस अ वेरी गुड नाउ यू हैव अंडरस्टूड सॉल्व दिस प्रॉब्लम ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लीवर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम लीवर का एफ बी डी ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें ओके ओके सो बेटा व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल देस दे हैव गिवन अस द ब्रेकिंग टॉर्क इन्होंने ब्रेकिंग टॉर्क दे दिया है ओके नाउ ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ द लीवर लीवर का एफबीडी ड्रॉ करो लीवर का एफबीडी ड्रॉ करो दे आर आस्किंग एस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों रोटेशन के लिए दोनों रोटेशन के लिए ठीक है एक सेकेंड कौन से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन था भाई द आंसर इज नॉट मैचिंग विद द ऑप्शन ऑप्शन कहा मेरे भाई यस पता नहीं अब कौन सी दुनिया में हो बट ऑप्शन ही नहीं है चलो अब बताओ सबसे पहले तो लेट्स ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ द लीवर फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन ठीक है पहले क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन ठीक है अभी देर विल बी अ नॉर्मल फोर्स बिटवीन द शू एंड द ड्रम ओके अच्छा यहां पे शू भी बना देता हूं मैं तो शू और ड्रम के बीच में क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो बेटा नॉर्मल फोर्स किस टाइप से आएगा द नॉर्मल फोर्स विल बी लाइक दिस ओके देन देर विल बी फ्रिक्शन फोर्स नाउ दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन फोर्स रहेगा एंटी क्लॉकवाइज ठीक है फ्रिक्शन फोर्स विल बी एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन फोर्स यहां पे है तो so, यहां पे कैसा रहेगा क्लॉकवाइज रहेगा ओके दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स देन देर विल्स बट वी डोंट नीड टू डील विद हिंज रिएक्शन अपने को हिंज देखने की जरूरत नहीं है नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आई नीड द वैल्यू ऑफ एन पी निकालने के लिए मेरे को एन चाहिए और एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा एन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा एन निकालने के लिए वॉट डू आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एन आई नीड टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क ब्रेकिंग टॉर्क म्यू एन इंटू आर आएगा तो मेरे भाई दिस इज 500 न्यूटन मीटर म्यू इज हाउ मच कहा गया म्यू पॉइंट थ्री एन वी नीड टू फाइंड एंड द रेडियस ऑफ ड्रम इज हाउ मच डायामीटर इज 300 हंड्रेड एम एम सो रेडियस विल बी पॉइंट वन फाइव मीटर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एन एन की वैल्यू यहां से आ जाएगी ट्रिपल वन डबल वन पॉइंट वन वन आर यू गेटिंग दिस मच एन आर यू गेटिंग दिस मच एन यस इतना आ रहा है चलो बहुत बढ़िया हेमंत अब उस एन की वैल्यू यहां रखो टेक मोमेंट एट ओ एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ पी दे आर आस्किंग फर्स्ट वाला क्वेश्चन में ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है आंसर कौन सा वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन यार अरे मेरे भाई 54.4 न्यूटन मीटर ये 54.4 न्यूटन मीटर है तो एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन था और आंसर मैच कर रहा है पता नहीं क्या कर रहे हो तुम फिफ्टी फोर पॉइंट अच्छा सॉरी फिफ्टी फोर पॉइंट क्या कर रहा हूं टेक द मोमेंट एट पॉइंट ओ एंड टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी पी की वैल्यू बताओ ओ पे मोमेंट लो एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ पी ओ पे मोमेंट ले के मी द वैल्यू ऑफ पी सो इफ आई टेक मोमेंट एट पॉइंट ओ वॉट विल बी द मोमेंट ऑफ पी

एन मल्टीप्लाइड बाय एन से लेके ओ तक का डिस्टेंस कितना है हंड्रेड प्लस म्यू एन मल्टीप्लाइड बाय म्यू एन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है थ्री थर्टी देखो इस पॉइंट से लेके हिंज तक का डिस्टेंस है थर्टी इक्वल्स टू जीरो सो वी हैव एन वी हैव म्यू सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी कितना आ रहा है टू सेवन सेवन टू ट्रिपल सेवन पॉइंट सेवन सेवन आर यू गेटिंग दिस मच आर यू गेटिंग दिस मच I am getting two five two seven point seven seven. What is the value of mu? Point three. Yar, mirato to two five two seven point seven seven aara hai. How you guys are getting this much? यस, टू फाइव टू सेवन पॉइंट सेवन सेवन राइट चलो चलो वेरी गुड ओके अब बेटा दिस वाज़ फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन ठीक है ये क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए था अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में व्हाट इज गोइंग टू चेंज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में क्या चेंज हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू चेंज है कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल चेंज सो दिस इज पी दिस इज एन नाउ इन केस ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रिक्शन फोर्स वॉज लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में फ्रिक्शन फोर्स विल बी लाइक दिस ओके देन देर विल बी सम हिंज रिएक्शन दिस इज पॉइंट ओ नाउ इन दिस केस इफ आई टेक मोमेंट एट पॉइंट ओ वॉट इज गोइंग टू हैपन मोमेंट ऑफ पी विल क्लॉक ठीक है मोमेंट ऑफ एन विल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ म्यू एन विल ऑल्सो भी एंटी क्लॉक वाइज इस बार मोमेंट ऑफ मू एन एंटी क्लॉकवाइज होगा पिछली बार क्लॉकवाइज था इस बार एंटी क्लॉकवाइज होगा ठीक है तो लिखो क्या आ रही है इक्वेशन p इंटू फोर हंड्रेड माइनस एन इंटू हंड्रेड माइनस म्यू एन इंटू थर्टी इक्वल टू जीरो दिस विल बी द इक्वेशन यस सो दिस टाइम व्हाट इज द आंसर इस बार p कितना आ रहा है एन तो वही रहेगा व्हाट इज द आंसर 3027.77 न्यूटन वेरी गुड, 3027.77, वेरी गुड एक्सेलेंट, वेरी गुड नितीश, वेरी गुड हेमंत वेरी गुड ब्रिजेश वेरी गुड अपेश, 3027.77, वेरी गुड अंकुर वेरी गुड विकास बहुत बढ़िया वेरी गुड एफसेलेंट एवरीवन वन तो बेटा अपने पास दोनों केसेस का फोर्स पी आ गया है वी हैव कैलकुलेटेड फोर्स पी फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ड्रम एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ड्रम ठीक है दोनों रोटेशन के लिए इतना टॉर्क लगाना है अगर इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई दिस मच टॉर्क यू हैव टू अप्लाई दिस मच फोर्स ओके यस आई होप एवरी वन इज क्लियर चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन अगले क्वेश्चन की ओर चलें। let's move on chalo this is the next question in front of you solve this question the speed of brake drum shown is controlled by a belt attached to the control bar ad a force p of magnitude 120 newton is applied to the control bar at a determine the magnitude of the couple being applied to the drum

what we are going to do here they have given us the value of the force p force p is 120 newton we need to find out the tension on these two sides okay in order to find the tension we need the values of we need two equations okay and in order to find two equations what we are going to do

लेट मी फर्स्ट अज्यूम क्लॉकवाइज रोटेशन लेट मी फर्स्ट अज्यूम क्लॉकवाइज रोटेशन सो बेटा इफ इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज विच वन विल बी टीवन कौन सा टीवन होगा अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो कौन सा टीवन होगा राइट साइड की लेफ्ट साइड राइट साइड विल बी टीवन और लेफ्ट साइड विल बी टीवन राइट साइड विल बी टीवन और लेफ्ट साइड विल बी टीवन अंडरस्टैंड इट इज रोटेटिंग इन क्लॉक वाइज बट वी नीड टू स्टॉप इट सो वी नीड टू अप्लाई द टॉर्क एंटी क्लॉक वाइज हा कि नहीं ये क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है बट अपने को टॉर्क तो एंटी क्लॉक वाइज लगाना पड़ेगा वी नीड टू अप्लाई टॉर्क लाइक दिस हा कि ना वी नीड टू अप्लाई टॉर्क लाइक दिस इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई टॉर्क लाइक दिस विच वन विल बी टी वन कौन सा वाला टी वन होगा वेरी गुड हेमंत ये वाला टी वन होगा ना तभी तो कुछ इस तरीके से टॉर्क लगेगा सो दिस इज गोइंग टू बी टी वन दिस इज गोइंग टू बी टी टू सो नाउ ड्रॉ द एफबी डी ऑफ द लीवर फ्लोर फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए लीवर का एफबी डी सो दे इज ऑलरेडी अ फोर्स ऑफ वन ट्वेंटी न्यूटन एक्टिंग एट दिस एंड ओके देन दिस इज स्टीवन रिएक्शन एट सी अब आप सी पे बोलोगे हिंज रिएशन है सो देर विल बी वन फोर्स इन एक्स वन फोर्स इन वाई बट इज देर एनी अदर फोर्स इन एक्स तो एक सिंगल फोर्स तो होगा नहीं एक्स में समिशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो सो सिंगल फोर्स नहीं हो सकता सो so, बेटा फोर्स इन एक्स विल बी जीरो तो यहां पे आपको कुछ इस टाइप का फ्री बॉडी डायग्राम देखने को मिलेगा ठीक है दिस इज ए बी सी डी सो वन रिलेशन आई ऑलरेडी हैव बिटवीन टी वन एंड टी टू अदर रिलेशन आई विल गेट फ्रॉम दिस ओके तो एक रिलेशन क्या है मेरे भाई टी वन बाई टी टू इक्वल्स टू ई टू दावर म्यूथीटा

T1 equals to 2.192. Are you getting this? So, beta. Now take moment at point C. Take moment at point C. So, if I take moment at point C, then what am I going to get? I am going to get this T1 multiplied by. This moment will be clockwise. Okay. टी वन मल्टीप्लाइड बाय वॉट इज दिस डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 600 हंड्रेड है टी वन मल्टीप्लाइड बाय आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम C अच्छा ठीक है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज फोर हंड्रेड माइनस ए इज हंड्रेड ठीक है ये वाला डिस्टेंस 100 है देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 400 हंड्रेड राइट डायमीटर ऑफ ड्रम और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 100 तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू तो बी 300 और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600 हंड्रेड माइनस टू तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 400 ठीक है 600 हंड्रेड माइनस ये वाला रेडियस 200 ठीक है बेटा t1 वन मल्टीप्लाइड बाय टी वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री हंड्रेड दिस विकवाइस माइनस टी टू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड एंटी क्लॉकवाइज माइनस वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय फोर हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड सेवन हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो यस yes, यस yes, इतना आ रहा है तो अब यहां T1 की वैल्यू रख देता हूं मैं 2.192 तो 2.192 पॉइंट वन नाइन टी टू इंटू थ्री हंड्रेड माइनस टी टू इंटू हंड्रेड इक्वल्स टू वन ट्वेंटी इंटू सेवन हंड्रेड तो यहां से मेरे भाई T2 भी आ जाएगा और T1 भी आ जाएगा तो T2 बता दो कितना आ रहा है 150.8 and if this is T2, then multiplied by 2.19 330.27. This is T1. Eh? Vikas is getting a different answer than me. Can anyone other?

थर्टी पॉइंट टू सेवन माइनस वन फिफ्टी पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द रेडियस ऑफ ड्रम टू हंड्रेड पॉइंट टू सो व्हाट इज द टॉर्क कितना आ रहा है टॉर्क थर्टी फाइव पॉइंट एट नाइन आर यू गेटिंग दिस वेरी गुड ब्रिजेश थर्टी फाइव पॉइंट एट नाइन बहुत बढ़िया हेमंत वेरी गुड गौरव वेरी गुड अंकुर चलो सो दिस वन वॉज फॉर क्लॉक वाइज रोटेशन अब एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन में द टी वन एंड टी टू आर गोइंग टू इंटरचेंज दैट इट ठीक है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में T1 T2 बस इंटरचेंज हो जाने हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में फ्री बॉडी डायग्राम इज गोइंग टू बी सिमिलर बट दिस टाइम T1 एंड T2 आर गोइंग टू इंटरचेंज

माइनस वन ट्वेंटी इंटू सेवन हंड्रेड इक्वल टू जीरो निकालो क्या आ रहा है आपका टी टू इंटू थ्री हंड्रेड माइनस टी वन क्या है बेटा टू पॉइंट वन नाइन टी टू टू पॉइंट वन नाइन टी टू इंटू हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी इंटू सेवन हंड्रेड इक्वल टू जीरो अगेन मेरे भाई टी टू आ जाएगा और टी वन आ जाएगा बताओ कितना आ रहा है वन जीरो थ्री सेवन पॉइंट जीरो थ्री इज द टी टू रिलेशन बिट्वीन टी वन टी टू विल रिमेन सेम T1 और T2 का रिलेशन चेंज नहीं होगा दैट विल रिमेन सेम वेरी गुड वेरी गुड हेमंत वेरी गुड अपेश T1 T2 का रिलेशन सेम रहेगा T1 T2 का रिलेशन विल रिमेन सेम ठीक है बिकॉज थीटा और म्यू तो चेंज नहीं हो जाएगा ना थीटा एंड म्यू विल रिमेन सेम सो नाउ वट विल बी द ब्रेकिंग टॉर्क 246.81 are you getting this very good brijesh very good ankur very good nitish 246.81 newton meter very good apesh 246.81 newton meter is the ब्रेकिंग टॉर्क इन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन वेरी गुड वेरी गुड आदित्य बहुत बढ़िया तो बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों के लिए वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस बैंड ब्रेक अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व दिस वन अ बैंड ब्रेक हैज अ फोर्स ऑफ 220 न्यूटन अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ लीवर एन द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बैंड एंड एंगल ऑफ लैप इज वन एटी डिग्री फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड बाई द ब्रेक फॉर काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ द ड्रम काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन वेरी गुड अबिल वेरी गुड गौरव वेरी गुड शुभम काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन के लिए आपको क्या निकालना है फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या होगा सॉल्व दिस सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ बैंड ब्रेक हैज अ फोर्स ऑफ 220 न्यूटन अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ लीवर एज सोन इन फिगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन

वट इज द वैल्यू ऑफ म्यू म्यू इज पॉइंट फोर एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ थीटा पाई तो यहां से टी वन इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव वन टी टू के सो दिस इज वन रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू नेक्स्ट रिलेशन वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम तो बेटा यहां से कट कर दो नाउ दिस ड्रम इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज ठीक है तो ब्रेकिंग टॉर्क हमको लगाना है

टेक मोमेंट एट पॉइंट ओ टेक मोमेंट एट पॉइंट ओ ओ पे मोमेंट ले लो वट वी आर गोइंग टू गेट टी वन इंटू हंड्रेड दिस विल बी एंटी क्लॉक वाइस माइनस टी टू इंटू फिफ्टी दिस विल बी क्लॉक वाइज माइनस हंड्रेड इंटू सॉरी टू ट्वेंटी इंटू टू हंड्रेड क्वल टू जीरो मोमेंट ऑफ टी वन एंटी क्लॉक है अब यहां पर रिलेशन रख दो थ्री पॉइंट फाइव वन टी टू इंटू हंड्रेड माइनस टी टू इंटू फिफ्टी इक्वल टू टू ट्वेंटी इंटू टू हंड्रेड तो यहां से यू विल गेट टी टू वन फोर्टी सिक्स पॉइंट वन एट आर यू गेटिंग दिस इतना आ रहा है देन टी वन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच फाइव थ्री पॉइंट फाइव वन टाइम्स ऑफ दिस थ्री पॉइंट फाइव वन टाइम्स ऑफ दिस 513.08. So, what will be your breaking torque? 513.08 minus 146.18 multiplied by radius of the drum will be 0 0.075. 150 mm is the diameter. So, I am going to get 27.51 newton meter are you guys getting this very good karishma very good gaurav very good nitish very good apesh you have calculated it in newton mm 27.51 newton meter very good, Ankur. Twenty seven point five one. Very good, very good, very good, Aditya. Twenty seven point five one Newton meter. Chalo. Excellent, excellent, excellent. Excellent. I hope everyone solved this. Very good, Eman. Very good, Nitish. Very good. Beta moment lethe time, the distances will be cancelled out na. Ye, ye, ye. All the distances will be cancelled out. So, it doesn't matter if you put it in meter or mm. It doesn't matter. In every term, you will have distance. So, even if you put them in meter or mm, it doesn't matter. Okay. Chalo. So, beta.

एट फोर पी एम डेली चार बजे वी हैव प्रैक्टिस क्लास ऑफ मैकेनिक्स कहां पे ऑन अन अकेडमी ऐप ठीक है अन अकेडमी ऐप पे अन अकेडमी ऐप पे डेली चार बजे हम प्रैक्टिस क्लास करते हैं बेटा पे स्पेशल क्लास में इट इज कंप्लीटली फ्री इफ यू टू अटेंड दीज क्लासेस इन माइ टेलीग्राम चैनल आपको इन स्क्रू जैक कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन स्क्रू जैक जैक वॉज न्यूली एडेड टॉपिक इन गेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन गेट 2021 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है हालांकि इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं था बट हो सकता है आ जाए ठीक है यस एंड बेटा दिस इज आर शेड्यूल ऑफ के टू के बैच कलम टू कलाम बैच कलम टू कलाम बैच का ये अपना शेड्यूल है टूडे एवरी डे देर आर थ्री क्लासेस सिक्स पी एम पे नेगी सर इज टीचिंग थर्मोडाइनेमिक्स सेवन थर्टी पी एम पे आई एम टीचिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड नाइन पी एम पे मनीष मिश्रा सर इज टीचिंग मैन्युफैक्चरिंग। लेट मी टेल यू इफ यू अटेंडिंग दीज क्लासेस फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कवर हंड्रेड परसेंट सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर एवरी टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉपिक्स इन डिटेल तो बेटा यू कैन अटेंड ऑल दीज क्लासेसूब आप YouTube पे कंप्लीटली फ्री इन सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं थैंक यू सो मच शुभम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बेटा गुंडसागर आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक सी दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जस्ट गो टू टेलीग्राम ऐप सर्च अप्रूव टेन एंड फॉलो माइ टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द पी डी एफ ऑफ दिस क्लास इस क्लास की पी डी एफ अगर डाउनलोड करनी है तो बस बेटा इसको ओपन कर लो टाइनएल डॉट कॉम स्लैश अप्रूव टेन किसी भी वेब ब्राउजर में जाओ गो टू तो एनी वेब ब्राउजर

अगर आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं इफ यू ओनली वॉन्ट टू अटेंड लेक्चर्स देन यू डोंट नीड टू पे एनी किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है एक रुपया भी नहीं आप यूट्यूब पे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स देख सकते हो हमारे वी आर गोइंग टू अपलोड ऑल द सब्जेक्ट ऑल द टॉपिक्स ओके बट इफ यू वॉन्ट मोर देन लेक्चर्स अगर आप लेक्चर्स के बियॉन्ड जाना चाहते हो ट टू स्टडी इन अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स अगर आपको एक पूरा कोर्स चाहिए यू वॉन्ट टू फील लाइक क्लास रूम दे प्लस एवरी डे लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग यू कैन गेट ऑन टाइम क्लासेस आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी डेली असाइनमेंट मिलेंगे वीकली क्विजेस होंगे क्वेश्चन बैंक होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे पर्सनल गाइडेंस मिलेगा आप अपना एजुकेटर खुद चूज कर सकते हो यू आर गोइंग टू गेट नोट्स आफ्टर एवरी क्लास यू आर गोइंग टू फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ रूम बियॉन्ड फ्री लेक्स आपको लेक्चर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए रहती हैं इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ गुड रैंक एंड लेट मी टेल यू वी हैव प्रोड्यूस्ड सो मेनी अंडर हंड्रेड रैंकर्स हमने बहुत सारे अंडर हंड्रेड रैंकर्स निकाले हैं इस बार तो हमारा रिजल्ट खुद बोलता है ओके okay? हमारा रिजल्ट आप देख सकते हो यू कैन एनी टाइम चेक द रिजल्ट वी हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोज ऑन आर टॉप रैंकर्स सो यू कैन सी द रिजल्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अन अकेडमी अन अकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके क्या किया जा सकता है ये आप इसका अंदाजा आपको यहीं से हो सकता है ओके okay? तो मेरे भाई अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या मिल जाएगा ना अकेडमी में जो YouTube पे नहीं मिलता या और कहीं नहीं मिलता तो बेटा कुछ झलक मैं आपको दिखा देता हूं लेट्स से आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेट्स से यू हैव एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओके एंड यू वांट टू आंसर इट सो व्हाट वी डू इन क्लास वी क्रिएट अ पोल एक पोल क्रिएट करते हैं हम ऑडियंस पोल टाइप का सो देर विल बी सम टाइम देर विल बी अ टाइमर विद इन दैट टाइम यू विल आंसर ए बी सी डी वेन द टाइम एंड्स स्कोर कार्ड दे शो यू योर स्कोर आपका रैंक दिख जाएगा एंड इट विल ऑल्सो शो यू योर टाइमिंग कितने टाइम में आंसर किया सो दिस इज रियली गोइंग टू क्रिएट अ दिसरमेंट इन द क्लास एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू मैनेजिंग योर टाइम आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होगा फिर बेटा यहां पे क्लास में आप छोटे मोटे डाउट्स जो है वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं बिगर डाउट यू कैन सेंड द इमेज ऑफ दाउट आप उस डाउट का इमेज खींच के भेज सकते हैं टू योर एजुकेटर योर एजुकेटर इज गोइंग टू आंसर योर डाउट इन द्लास लाइफ एंड इफ यू आर थिंकिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनफ टाइम आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा डाउट पूछने का देन डोंट वरी देर आर डेडिकेटेड डाउट सोल्विंग सेशन देर आर डेडिकेटेड डाउट सोल्विंग क्लास वेयर यू कैन सोल्व ऑल योर डाउट आप जितने डाउट्स पूछना चाहो पूछो एंड द बेस्ट थिंग दील अबाउटी मल्टीपल एजुकेटर्स देर आर मल्टीपल बैचेस यू कैन अटेंड एनी बैच यू कैन अटेंड एनी लेक्चर आपको जो बैच अटेंड करनी है जो लेक्चर अटेंड करना है जो एजुकेटर फॉलो करना है आप करो यू कैन अटेंड मल्टीपल बैचेस आप मल्टीपल बैचेस का हिस्सा बन सकते हो देर इज नो लिमिट ऑन एजुकेशन डमी दैट इज द बेस्ट थिंग ओके एंड बेटा यू कैन ज्वाइन मल्टीपल ब्रांचेसो नो नीड ऑफ पेनी मल्टीपल ब्रांचेस के भी सकते हो यू कैन अटेंड मल्टीपल एग्जाम्स यू कैन अटेंड द लेक्चर ऑफ मल्टीपल एग्जाम गेट का बैच ज्वाइन कर लो ई एस सी का भी बैच ज्वाइन कर लो इट इज अपू यू एक सब्सक्रिप्शन और आप ये सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो सो इफ यू वॉन्ट ज्वाइन दीज बैचेस

अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रेफरल दिस इज द बिलीव दैट यू आर शोइंग इन मी ठीक है रेफरल का मतलब क्या होता है यह किसी डिस्काउंट के लिए नहीं है दिस इज नॉट अ डिस्काउंट कूपन दिस इज अ रेफरल कोड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट रेफरल मतलब यू आर बींग रेफर्ड बाई मी मीन्स यू आर बिलीविंग इन मी आप मुझ पर भरोसा करके जुड़ रहे हो तो अगर आप मुझ पर भरोसा करके जुड़ रहे हो मतलब आप मेरी जिम्मेदारी हो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मैं आपके साथ रहूंगा और आपको पूरा का पूरा गाइड करता रहूंगा जीरो से लेके एंड तक ओके और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन फी है बेटा डोंट वरी यू कैन पे द फी इन ईएमआई आप ईएमआई में पे कर सकते हो एंड अगर आप पर डे कॉस्ट निकालोगे दिस ओनली कॉस्ट फिफ्टी फोर रुपीज पर डे दिस ओनली कॉस्ट सिक्सटी फोर रुपीज पर डे एंड दिस कॉस्ट सेवेंटी फोर रुपीज पर डे तो मेरे भाई पेट्रोल के खर्चे से भी कम है अगर आप कहीं आसपास कोचिंग भी जाओगे ना घर के आसपास तब पेट्रोल का पैसा इससे ज्यादा लग जाएगा उससे भी कम कीमत पे आप साल डेढ़ साल दो साल तक पढ़ सकते हो इतने सारे बैचेस का हिस्सा बन बन सकते हो इतने सारे एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो और जितने चाहे उतने सवाल बना सकते हो टेस्ट सीरीज दे सकते हो उतने डाउट्स पूछ सकते हो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू गेट अ पर्सनल कोच आपको एक पर्सनल गाइड एक कोच मिलता है जो आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प करता है मतलब पर्सनल लेवल पे हेल्प मतलब क्या कि उनका काम रहेगा आपके लिए शेड्यूल बनाना आपके लिए स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना आपको क्वेश्चन करवाना आपके वन ऑन वन सेशन लेना सो ही विल हेल्प यू ऑन अ पर्सनल बेसिस सो यू कैन टेक अन अकेडमी आइकोनिक सब्सक्रिप्शन फॉर वन ईयर और टू ईयर अगर आप इससे जुड़ा और कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन अन अकेडमी एप नाउ बिफोर लिविंग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन शेयर द लिंक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आई विल कीप अप कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू विथ सच लेक्चर्स टिल देन थैंक यू बाय बाय टेक केयर गुड नाइट यस मेरे भाई द बैचेज आर इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी नीतीश Bases are in English as well as in Hindi. Okay.